ओके अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग एंड लाइक वन ऑफ द मोस्ट मल्टी डाइमेंशनल इशू दैट वी आर गोइंग टू टेक टूडे इज ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं उसके पीछे दो वजह हैं द फर्स्ट वन इज कि गवर्नमेंट और जुडिशरी में एक कंफ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो गई है विद रिगार्ड टू तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ठीक है बेसिक अगर लेमैन टर्म्स में इसको हम समझने की कोशिश करें तो ट्रिब्यूनल्स आर कॉज जुडिशियल बॉडीज ठीक है ये तो स्टोरी सो फार है वी विल बी गोइंग टू लुक इनटू टू लुक इनटू इट ठीक है बट व्हाट माय फोकस ऑलवेज हैज बीन इन टीचिंग द करंट अफेयर्स इज कि नॉट ओनली आई टीच आई टीच यू दिस द द द लेजिस्लेटिव और लीगल और द सब्जेक्ट वाला पॉइंट आई आल्सो वांट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि व्हाट इज द इशू

जुडिशियल बॉडी ओके, क्वाजाई जुडिशियल क्वाज़ाई जुडिशियल का मतलब क्या हुआ कि दे आर नॉट कंप्लीटली जुडिशरी ठीक है judiciary, judiciary है, ट्रिब्यूनल इज नॉट कम्प्लीट जुडिशरी बट ये क्वाजाई जुडिशियल बॉडी क्वाजाई का मतलब होता है पार्शियली ठीक है अगर हम बहुत बेसिक टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करें तो क्वाजाई का मीनिंग होता है पार्शियली तो ट्रिब्यूनल्स अगर हम बेसिक ये इवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी को समझने की कोशिश करें या जुडिशल सिस्टम को तो सुप्रीम कोर्ट ओके उसके नीचे हाई कोर्ट्स उसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्रिमिनल एंड सिविल मैटर के सिविल एंड क्रिमिनल मैटर तो दिस इज द हायरार्की ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशरी इन इंडिया जुडिशरी इज वॉट इंटीग्रेटेड इन इंडिया है ना इंटीग्रेटेड जुडिशरी फॉलो करते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी हुआ कि अगर एक लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया है ना तो करेगा सब कोर्ट भी उस लॉ को फॉलो करेगा दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड जुडिशरी ओके अब दूसरा इंटीग्रेटेड का यह तो हो गया टॉप डाउन ओके अब बॉटम अप क्या होगा कि अगर किसी स्टेट ने अपने अंदर में स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है ठीक है तो उस लॉ के अंडर में हाई कोर्ट पहले जो लाइक अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट पहले जजमेंट देंगी अगर वो जजमेंट हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाता है तो हाई कोर्ट जजमेंट देगी लेकिन अगेन दैट जजमेंट कुड बी अगेन चैलेंज सुप्रीम कोर्ट डिस्पाइट था जिसका वॉयलेशन हुआ है वो एक स्टेट गवर्नमेंट का लॉ था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ Understood? मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सारे सारे स्टेट्स और सारे सेंट्रल uh, के लॉज को फॉलो करती हैं कोर्स अब अलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट गोइंग टू फॉलो सम लॉ दैट वाज मेड इन महाराष्ट्र क्योंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मीनिंग कोर्ट ऑफ अलाहाबाद का जो जुरिस्टिक्शन का एरिया होगा वो यूपी का टेरिटरी का जो टेरिटोरियल एरिया है उतना ही होगा ये है टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन का कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक लॉ जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है उस पर कोर्ट भी जजमेंट देगी सुप्रीम कोर्ट भी दे सकती है मतलब सुप्रीम कोर्ट को तो सारे स्टेट्स के लॉज पढ़ने पड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज पढ़ने ही पड़ेंगे और अगर हम हाई कोर्ट हा, की बात करें तो हाई कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे लॉज पढ़ने पड़ेंगे प्लस उस स्टेट के सारे लॉज पढ़ने पड़ेंगे जिस स्टेट में एक कोर्ट इस्टेब्लिश है Understood? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी इन इंडिया लेकिन जुडिशियरी वी वी नो कि जुडिशरी में बहुत ज्यादा कोर्ट केसेस पेंडिंग है तो अगर हम अगर हम कुछ ऐसी ट्रिब्यूनल्स बना दें ऐसी कुछ बॉडीज बना दें जो कि जुडिशरी पूरी तरीके से तो ना हो लेकिन ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कर सकें क्या कर सके डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ठीक है इस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बॉडी को हम कहते हैं ट्रिब्यूनल ओके दीज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडीज आर कॉल्ड ट्रिब्यूनल अब ट्रिब्यूनल्स बहुत स्पेसिफिक के लिए बनाई जाती है ट्रिब्यूनल्स आर मेड फॉर वेरी स्पेसिफिक फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल्स विच डील विद द रिक्रूटमेंट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द पर्सनल ऑफ बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो ये हो तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कै सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जा सकते हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जा सकते हो ओके okay. या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जॉब कर रहे हो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या पी में और कोई प्रॉब्लम वहाँ पर जॉब से रिलेटेड है तो आप आपके बीच में और आपके एम्प्लॉयर के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो आप कहाँ जा सकते हो स्टेट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जा सकते हो या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जा सकते हो ओके okay. तो दीज है hmm. अब इसके लिए क्या किया गया स्पेशल लॉज फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स टैक्सेशन लॉज है ना लैंड रिलेटेड लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव uh, लॉज इन सारे लॉज के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बना दी गई सो दैट ये लॉज जो है वो डायरेक्टली इन लॉस का जो पेंडेंसी है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बजाय इन ट्रिब्यूनल्स के थ्रू सॉर्ट आउट होता रहा है एंड जुडिशरी की जो पेंडेंसी है बर्डन ऑफ केसेस है आल्सो विल रिड्यूस बट इफ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओके इफ यू लुक एट दूशनल प्रोविजन तो ट्रिब्यूनल पर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिब्यूनल वर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दे वर नॉट प्रोवाइडेड इन दरिजिनल स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन पे और क्या चीज थी डी पी एस पी सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी एड हुई थी तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रेकमेंडेशंस पे एड हुई थी ट्रिब्यूनल आर्टिकल, दो आर्टिकल्स एड किए गए ए एंड बी ये दो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में एड किए गए थ्री ट्वेंटी थ्री ए एंड थ्री ट्वेंटी थ्री बी नाउ थ्री ट्वेंटी थ्री ए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में है एडमिनिस्ट्रेटिव

कैंसिल कर रही है तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वी अंडरस्टूड कि भाई अब ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐड तो हुई ये आर्टिकल्स लेकिन कौन से अमेंडमेंट से फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स के थ्रू ये दोनों आर्टिकल्स ऐड हुए अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मीन्स एनी अमेंडमेंट टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बनाने के लिए में कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट की की जरूरत जरूरत नहीं है, है है। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना जाके उसके लिए दोनों लॉज लाइक ये दोनों आर्टिकल्स एड किए गए जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में और 323 डील करता है बाकी सारे पर्पजेज की जो ट्रिब्यूनल्स होंगी वो मैंशन है थ्री बी में और थ्री ट्वेंटी थ्री में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर ओनली दो ट्रिब्यूनल्स दैट टॉक अबाउट द रिक्रूटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज इन द पब्लिक सर्विसेज ठीक है यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो इश्यूज अराइज होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में आएंगे तो ये तो हो गया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर द पर्पज ऑफ बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बट अंडर आर्टिकल थ्री ट्वेंटी स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली नॉट गवर्नमेंट बट लेजिस्टर जैसे ओनली पार्लियामेंट है पावर टू मेक अ ट्रिब्यूनल वेन वी से पार्लियामेंट है पावर टू मेक ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट डज नॉट है पावर टू मेक अ ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल बनाने का पावर किसके पास है पार्लियामेंट के पास है दैट मीन्स हमें कोई ट्रिब्यूनल बनानी होगी तो उसके लिए एक एक्ट लाना होगा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आई वॉन्ट यू टू लाइक I want you to understand the difference between the government and the legislature. Government को अगर कोई चीज़ करनी है, like हमने अभी plastic waste management rules देखे, तो वो rules किस act में हैं, किस act के pursuance में बने हैं? EPA 1986, Environment Protection Act 1986. अब EPA कहाँ बना था? Parliament में, okay? तो Parliament made one law, that is Environmental Protection Act 1986. उस लॉ में पार्लियामेंट ने मेंशन किया है पार्लियामेंट में ये कह, कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉर्म रूल्स उस उस आर्टिकल जो सेक्शन है 1986 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स उस सेक्शन का यूज करते हुए गवर्नमेंट रूल्स बनाती है दिस इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एज वी टॉक्ड इन दैट तो आई होप यू हैं वो एक्ट नहीं बनाती हैं लेकिन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स एक्ट बनाती हैं वो रूल्स नहीं बनाती ठीक है रूल्स भी बना सकती हैं रिजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं बट जो लॉ मेकिंग पावर है वो गवर्नमेंट की नहीं है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स की है आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी क्लियर वर्ड्स ओके तो इनिशियली आर्टिकल 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स थी अभी भी वो हैं आर्टिकल 323 बी में बाकी कुछ स्पेशल पर्पजेज मैंशन है लाइक टैक्सेशन फॉरिक्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड लेबर डिस्प्यूट्स, लैंड रिफॉर्म्स इलेक्शन डिस्प्यूट्स एज वेल अब इलेक्शन डिस्प्यूट्स भी है इट बिकम्स अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ कि कैन कैन अ ट्रिब्यूनल बी फॉर्म्ड टू लुक इन टू द इलेक्शन डिस्प्यूट्स यस ठीक है लेकिन आर्टिकल थ्री ट्वेंटी नाइन से दैट इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो भी होंगे

रिगार्डिंग द हियरिंग ऑफ एन इलेक्शन डिस्प्यूट ठीक है तो पार्लियामेंट ने क्या किया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऑथोराइज किया है टू लुक इंटू द मैटर्स ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट ठीक है राज नारायण वर्सेज इंदिरा गांधी केस दैट वॉज एन इलेक्शन डिस्प्यूट जहां पर इंदिरा गांधी को अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से हाथ धोना पड़ा था राज नारायण वर्सेज इंदिरा गांधी केस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड रीड इट दैट वॉज एन इलेक्शन डिस्प्यूट एंड दैट इलेक्शन डिस्प्यूट वॉज हर्ड इन अलाहाबाद हाई कोर्ट तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स के बारे में एक का क्वेश्चन यहीं पे फ्रेम हो गया कि कैन हाई कोर्ट्स लिक इंटू द इलेक्शन डिस्प्यूट्स और ओनली सुप्रीम कोर्ट्स कैन लुक इंटू द इलेक्शन डिस्प्यूट या इसको अगर यूपीएससी विल ट्राई टू फ्रेम अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी कैन फ्रेम अ क्वेश्चन लाइक दिस कि कैन अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन डिस्प्यूट बी लुकड इन टू बाई हाई कोर्ट यस इट कैन बी यस इट कैन बी अंडर आर पी ए नाइनटीन फिफ्टी वन ठीक है uh, तो आई 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 बिलीव यू अंडरस्टूड दैट अगेन बैक टू दिस 323 बी में कुछ स्पेशल चीजें मैंशन थी ओरिजिनली कि इनके बारे में टैक्स लॉज बना सकती है बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अब यहां पे क्या मेंशन था फॉर एग्जांपल टैक्सेशन ठीक है तो टैक्सेशन है ना उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स अब लैंड रिफॉर्म किसका लैंड रिफॉर्म किसका डोमेन है स्टेट का है स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज लैंड इज लाइक एन एंट्री टू द स्टेट लिस्ट अब लैंड के बारे में कोई ट्रिब्यूनल बनाना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो इसकी ऐसे ही कुछ टॉपिक्स मैंशनड थे आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री बी में लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट मेड एन लाइक सुप्रीम कोर्ट मेड एन ऑब्जरवेशन की नॉट ओनली टॉपिकल थ्री ट्वेंटी थ्री बी बट एनी टॉपिक that comes under the state list a state government can make a tribunal on that similarly any topic that has been mentioned in the central list central government has the power to make a tribunal on that understood matlab 323b grants the power of state power to state and center to make tribunal on any issue that has been mentioned in the state and central lists i hope you understood that Okay, now this was about the tribunals and how tribunals function. Now this was all about the constitutional provisions of the tribunals. Now, time and again, Supreme Court has said that, time and again, Supreme Court has said that since tribunals are tribunals are judiciary bodies, tribunals are quasi-judicial, right? quasi-judicial bodies. So they should also

जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो बीन कंस्टिट्यूटेड एज वॉट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट वट है सारा टसल ही क्यों है ट्रिब्यूनल्स को गवर्नमेंट जो है वो अपने इंटरफेरेंस के थ्रू उनकी इफिशियंसी इंक्रीज करना चाहती है जो भी कुछ बट जुडिशरी का यह कहना है कि ट्रिब्यूनल्स आर क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज एंड दैट इज वाई देर दे शुड रिमेन फ्री ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस अंडरस्टुड यही पूरा टसल है यही पूरा टसल है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक ओके, दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ओके कि एग्जीक्यूटिव वांट्स टू एक्सर्ट कंट्रोल बिकॉज एग्जीक्यूटिव थिंक्स दैट ट्रिब्यूनल्स आर नॉट फंक्शनिंग वेल तो इन दैट केस द ट्रिब्यूनल्स आर एन लॉस टू एन एक्सचेकर गवर्नमेंट के ऊपर एक खर्चा है तो जो एग्जीक्यूटिव चाहता है कि ट्रिब्यूनल्स को इफेक्टिव बनाया जाए या जो ट्रिब्यूनल्स का फंक्शन बहुत ज्यादा नहीं है उनको खत्म भी किया जाए मर्ज किया जाए एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इफेक्टिव बनाया जाए बट वॉट जुडिशरी थिंक इज कि बाई मेकिंग ऑल दिस एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल वर्क एग्जीक्यूटिव इज ट्राइंग टू ट्रैम्पल अपॉन द डोमेन ऑफ द जुडिशरी तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइज हो गई है so this is what we are going to study right now i hope you understood what all the provisions of the tribunals <clears throat> okay now back to the lecture because that because without understanding the tribunals the constitutional provisions of tribunals understanding this lecture was not possible that is why this detour to the tribunals was very important now we are going to deal with the kind of conflict that

डोमेन में काम कर रही थी उनको मर्ज करके एक बना दिया गया एंड द नंबर ऑफ टोटल नाउ सेक्शन फोर ऑफ द फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड से पूरा फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन वॉज अ मनी बिल बिल नॉट रिक्वायर्ड टू बी पास ना वॉट है प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल्स वर ब्रॉड थ्रू अ मनी बिल फर्स्ट कॉन्फ्लिक इज दैट लेकिन उसके बारे में बाद में देखेंगे सेक्शन वन एटी फोर प्रोवाइड द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसाइड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस सैलरी अलाउंस तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, है ना प्रॉब्लम क्या है तो पहला तो प्रॉब्लम यह है कि ट्रिब्यूनल आर क्वाजाई जुडिशल बॉडीज सॉरी और फाइनेंस एक्टिजम मनी बिल मनी बिल तो मनी बिल का मीनिंग ये हुआ कि आप जुडिशरी के रिगार्डिंग कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हो मनी बिल से दैट सम काइंड ऑफ समथिंग इज़ पहला तो पे ट्रिब्यूनल्स वहां पे ये हुआ कि पावर ऑफ सेंट्रल वाज गिवन द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवन द पावर पार्लियामेंट ठीक तो like uh, like, uh, है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज गिवन द पावर टू डिसाइड अपॉन वॉट द टर्म्स ऑफ सर्विस एंड द टर्म्स एंड कंडीशन लाइक अलाउवें रिटायरमेंट बेनिफिट है ना और टर्म्स ऑफ सर्विस ये सारा डिसाइड करने का पावर किसको दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और थर्ड पॉइंट क्या है रूल्स नोटिफाइड अब इस एक्ट के तहत जैसा हमने आज वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल्स विद इन एन एक्ट फॉर थर्ड टाइम दिस डे कैसे EPA में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ठीक है और दूसरा हमने क्या बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो में क्या है? कि फाइनेंस एक्ट 2017 के अंडर में रूल्स नोटिफाई किए गए क्योंकि एक्ट ये है और रूल्स यहां पे हैं

टर्म्स ऑफ कंडीशन को डिसाइड करने की पावर किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है सिनेमाटोग्राफ्ट ट्रिब्यूनल है, है ना वो सिनेटोग्राफ्ट एक्ट के थ्रू बना था उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है टू डिसाइड अपॉन दर्व टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ कंडीशन सैलरीज अलाउंस और ये सारी चीजें डिसाइड करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एक्ट के थ्रू सारे काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल्स की जो एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ये तो सारे इंडिविजुअल एक्ट थे जो कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के थ्रू पास हुए थे अब अगर कोई नई ट्रिब्यूनल बनती है तो वो ऑटोमेटिकली उसको रेगुलेट करने की पावर किसके पास होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विदाउट एनी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन अंडरस्टूड दैट इज द पॉइंट और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज कि द टर्म ऑफ सर्विस फॉर द ट्रिब्यूनल्स वॉर सेट फॉर थ्री ईयर्स अब अगर टर्म ऑफ सर्विस बहुत छोटा होगा तो एग्जीक्यूटिव के पास पावर है वो बार बार अपने जो जुडिश जो ट्रिब्यूनल है उसके मेंबर्स को रिपी like, लाइक उसके उसके मेंबर्स को व्हाट बार बार रिक्रूट करने की पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी कि वो कॉम्पोजिशन डिसाइड कर पाएगा कि उसे किस ट्रिब्यूनल में किस प्रकार का कॉम्पोजिशन रखना है या किस प्रकार के लोगों को बार बार उसमें भरना है क्यों क्योंकि

यूएस में जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे गेट इलेक्टेड फॉर द लाइफ टाइम वंस यू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस एंड अनटिल यू आर इम्पीज यू आर जज फॉर द लाइफ टाइम यू डोंट हैव एन एक्सपायरी पीरियड में दैट गिव्स द यू एस जजिस इंडिपेंडेंस बिकॉज वंस दे बिकम जज दे कैन डू लाइक दे आर वेरी इंडिपेंडेंट यू कैन नॉट रिमूव दैम ना उनका टेन्योर है कि पांच साल बाद तो रिटायर हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है दे कैन रिमेन जज थ्रू आउट देयर लाइफ वंस दे बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसलिए दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट विद द गवर्नमेंट ओके वहां पर भी जजेस को नॉमिनेट गवर्नमेंट ही करती है बट स्टिल बहुत बार ये हुआ है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजे ने नॉमिनेटेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बहुत ऑपोजिट जजमेंट दिए हैं बिकॉज वहाँ के जजेस जो हैं उनके पास पार्शलिटी करने का कोई इंसेंटिव नहीं है बिकॉज दे दे आर दे कैन रिमेन जज थ्रू आउट देयर लाइफ तो उन्हें अपनी जॉब सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है ना तो दे कैन रिमेन जज थ्रू आउट देयर लाइफ तो दे कैन गिव जजमेंट इन द सेक ऑफ लाइक डूइंग जस्टिस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज इंश्योर्ड बाई मेकिंग श्योर दैट वन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस विदाउट द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ ठीक है इम्पीचमेंट इज अ वेरी टफ जॉब है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए इंपीचमेंट चाहिए इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है बहुत अच्छा लेकिन ट्रिब्यूनल्स में इंपीचमेंट का प्रोसीजर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है आफ्टर लुकिंग इन टू सम लाइक सम इशू ऑफ मिस बिहेवियर और एक कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद भी हटा सकती है ठीक है तो यहाँ पे जुडिशल इंडिपेंडेंस को सिक्योर करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट ओके बट गवर्नमेंट का कहना है कि ट्रिब्यूनल्स आर नॉट ज्यूडिशियरी बॉडीज दे दे आर क्वॉसी ज्यूडिशियल बॉडीज एंड टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रिब्यूनल्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी 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 मेक सच लॉज ओके उसके बाद 2019 में क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन रोजर मैथ्यूज केस ठीक है रोजर मैथ्यूज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द रूल्स अंडर सेक्शन 184 एटी फोर ऑफ द फाइनेंस एक्ट जितना भी हमने 2017 पिछली स्लाइड में पढ़ा वो सबको स्ट्राइक डाउन कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस ठीक है तो कम्पोजिट जुडिशियल इंडिपेंडेंस में मेंटेन रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था सुप्रीम कोर्ट साइड दैर द कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स इज नॉट वेरी कंडुडिशल इंडिपेंडेंस बिकॉज द पीपल हु आर गोइंग टू बी गेट लाइक रिक्रूटेड फॉर ट्रिब्यूनल्स वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर प्रोवाइडेड नहीं है इसीलिए और थर्ड इंपोर्टेंट थिंग जैट सुप्रीम कोर्ट मेड ऑब्जर्वेशन वाज कि कंपोजिशन ऑफ द सर्च इन सेलेक्शन कमेटी सर्च इन सेलेक्शन कमेटी वो कमेटी है जो कि ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को रिक्रूट करने के लिए बनाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सर्च एंड सेलेक्शन कमेटी है उसका कॉम्पोजिशन ऐसा है कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिनेंस है ओके okay. इसलिए जो जुडी इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है एंड दैट इज वाई वी आर स्ट्राइकिंग इट डाउन ओके फिर 2020 में क्या हुआ नए रूल बनाए वही फाइनेंस एक्ट 2017 के परसुएंस में ही नए रूल्स बनाए गए ठीक है अब नए रूल फिर नोटिफाई किए गए 2020 में वहां पे जो टर्म ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सन वॉज रेज फ्रॉम थ्री ईयर्स टू फोर ईयर्स द रूल्स वगेन चैलेंज मद्रास बार काउंसिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अगेन, ठीक है मद्रास में इसको चैलेंज किया गया, सॉरी है द रूल्स ने जो नए रूल्स आए उनको अपहेल्ड किया बट कुछ सजेशन दिए कि तुम ये, ये चीजें बदलाव लाओ और ये भी कहा कि जब तक गवर्नमेंट इन रूल्स में ये बदलाव नहीं लाती जो हम रिकमेंड कर रहे हैं तब तक ये जो यही रूल की तरह एक्ट करेंगे ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ हेल्ड बट मेड सर्टन कमीशन एन इंडिपेंडेंट कमीशन टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल सो दैट द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इज ओके फिर टेन्योर को आप फोर ईयर के बजाय फाइव ईयर करो जहां पे एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिले किसी बंदे को फिर कॉम्पोजिशन ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है उसका कॉम्पोजिशन ऐसा रखो जहां पे जुडिशरी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो ओके okay. <coughs> तो अब वो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का जो सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया स्ट्रक्चर वो ऐसा होना चाहिए था कि जो चेयरमैन होगा चीफ जस्टिस होगा या उसका नॉमिनी जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है वो कमेटी का काम क्या होता है दिस कमेटी लुक्स फॉर पीपल हु ट्रिब्यूनल ओके okay. तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी या द नॉमिनी ऑफ चीफ जस्टिस शुड द चेयरपर्सन है कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट मीन्स अगर किसी किसी पर्सन का मान लो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी किसी पर्सन को चूज करती है उस पर दो लोग कहते हैं कि वी अग्री दो लोग कहते हैं वी, है वी डोंट अग्री तो यहां पर क्या हो गया क्लैश हो गया तो अब कौन डिसाइड करेगा कि यह क्लैश कैसे टूटेगा तो जो वोट पर्सन कर सकता है उस क्लैश के टाइम में उसी को कहते हैं कास्टिंग वोट लाइक स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास कास्टिंग वोट होता है ओके okay, अगर इक्वल नंबर ऑफ वोट्स हैं फॉर फेवर एंड फॉर नो तो उस वक्त क्या होता है कास्टिंग वोट डलता है तो सुप, सुप्रीम कोर्ट ने जो रेकमेंड किया सर्च कम सेलेक्शन कमेटी वहां पे कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या आइदर ऑफ हिज नॉमिनी शुड हैव

तो आई विल बी ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट कमेटी जो कमेटी हायर कर रही है ठीक है और ये तो हो गए जो जो दो judicial members, okay? third, third important person जो recommend किया सुप्रीम कोर्ट ने दैट वाज सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट विल बी एन आईएएस ऑफिसर एंड द फोर्थ वन बी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ डिपार्टमेंट दर देन अदर देन द पेरेंट और स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट नॉमिनेटेड बाई कैबिनेट सेक्रेटरी पेरेंट डिपार्टमेंट या स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट क्या है अब जैसे एनजीटी एन जी टी का पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है एम ओ ई एफ सी सी मिनिस्ट्री ऑफ एनवाइट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओके लेकिन इस मिनिस्ट्री के अलावा किसी और मिनिस्ट्री को चूज कर लो और उसका सेक्रेटरी और ये रिकमेंडेशन कौन देगा कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इंडिया में हाईएस्ट हो आई एस ऑफिसर की जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की है दैट मींस कि अगर एनजीटी एक एनवामेंटल ट्रिब्यूनल बनाई जा रही है तो पहले तो ये रखो कि उस ट्रिब्यूनल के लिए जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है उसका चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या तो उस चीफ जस्टिस का कोई नॉमिनी होना चाहिए जिसके पास कास्टिंग बोर्ड भी हो और एक जुडिशियल मेंबर है यहाँ पे एक जुडिशियल मेंबर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक जुडिशरी का मेंबर है ठीक है तो ये दोनों ही जुडिशियर जुडिशियरी के मेंबर हो गए क्योंकि चीफ जस्टिस है चीफ जस्टिस का नॉमिनी जुडिशरी ही है और ये भी जुडिशरी ही है लेकिन थर्ड पर्सन जो होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी ओके फोर्थ पर्सन जो होगा सेक्रेटरी किसी भी मिनिस्ट्री का अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री अंडर विच दैट पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल इज बिंग फॉर्म एंड लास्ट वन सेक्रेटरी स्पॉन्सरिंग और पेरेंट मिनिस्ट्री लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन दोनों के पास वोटिंग पावर तो है लेकिन ये जो सेक्रेटरी होंगे इनके पास वोटिंग पावर नहीं होगी ओके अंडरस्टूड तो दैट विल अब यहां पे दो तीन चार वोटिंग पावर चार लोगों के पास है तो चार लोगों के पास जब वोटिंग पावर है तो क्लैश होने का टाइम है फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन पे ये लोग वोट करते हैं तो चार ही लोग वोट कर सकते हैं अगर दोनों जुडिशियल मेंबर ने नो no कर दिया और दोनों गवर्नमेंट मेंबर्स ने यस yes कर दिया क्योंकि सेक्रेटरीज आर गवर्नमेंट मेंबर्स दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ ठीक है ना कैबिनेट सेक्रेटरी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ठीक है और ये भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है और गवर्नमेंट के मेंबर्स ने यस yes कर दिया तो यहां पे तो क्लैश हो गया अब क्लैश में क्या होगा कास्टिंग वोट कौन डालेगा चेयरपर्सन चेयरपर्सन कौन है जुडिशरी का मेंबर है या तो चीफ जस्टिस है तो उस केस में जुडिशरी के पास डोमिनेटिंग पावर है ओवर द गवर्नमेंट दिस इज वॉट सुप्रीम कोर्ट वॉन्टेड फिर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में क्या हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी वन में क्या हुआ फिर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन कंडीशन ऑफ सर्विस बिल विंटर सेशन में ठीक है विंटर सेशन के लास्ट में बेसिकली ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन ऑफ एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी बट दिस बिल लैप अब यह बिल लैप्स हो गया पास नहीं हो पाया तो क्या किया दोबारा ऑर्डिनेंस ले आए ऑर्डिनेंस वॉज ब्रॉड और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू एट ट्रिब्यूनल्स को रिमूव कर दिया कौन सी एट ट्रिब्यूनल्स थी वो हम देखेंगे दीज वर द एट द्रिब्यूनल फिल्म एंड सर्टिफिकेट फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल इसकी पावर दे दी हाई कोर्ट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड इसकी पावर दे दी हाई कोर्ट को इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको पहले हैंडल करती थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड उसकी पावर दे दी कमर्शियल डिविजन्स ऑफ हाईकोर्ट को कस्टम एक्साइज कस्टम एक्ट के अंदर जो ट्रिब्यूनल था उसकी पावर दे दी हाई कोर्ट को ठीक है पेटेंट एक्ट के अंदर जो आईपी IP, आईपीए भी था उसकी पावर दे दी हाई कोर्ट को सिमिलरली मतलब ट्रिब्यूनल्स को खत्म करके उनकी पावर्स ट्रांसफर कर दी हाई कोर्ट्स को या तो कंसर्न डिपार्टमेंट की किसी और अपीलेट बॉडी को ठीक है तो ये हम यहां पे थे राइट right? ऑर्डिनेंस इस ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ बट ऑर्डिनेंस इज नॉट अ लॉ परमानेंस इट विल क्या हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी अंडर फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड से न्यू रूल्स बनाए गए एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट विद एक्सपीरियंस ऑफ अप टू टेन ईयर्स वॉज मेड वैलिड दिस वॉज वन ऑफ द रिकमेंडेशन दैट सुप्रीम कोर्ट मेड की एडवोकेट्स जिनके पास टेन ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है दे शुड भी अलाउड टू बिकम जुडिशियलबर्स

अब क्या हुआ सिक्स टू डिजोल्व एट ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रांसफर देयर वर्किंग्स टू हाई कोर्ट एज वी सॉ मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल फिफ्टी ईयर दिस वॉज ऑल्सो स्ट्रक डाउन इन एन अर्लियर जजमेंट बाई द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सेट दैट कि अगर हम मिनिमम एज फिफ्टी ईयर्स रखते हैं तो दैट विल डिस्करेज द यंगर टैलेंट टू कम इन टू द जुडिशरी ठीक है टर्म ऑफ ऑफिस अगेन फोर ईयर जबकि सुप्रीम कोर्ट ने टू थाउजेंड सेवेंटीन वाले जब अपना जजमेंट दिया था और टू टू सॉरी तो उसमें कहा था कि फाइव ईयर्स का टेन होगा फोर ईयर्स का नहीं होगा चेयरपर्सन के लिए अपर एज सेवेंटी ईयर्स और अदर मेंबर्स के लिए अपर एज सिक्सटी सेवन ईयर्स रखी गई या तो फोर ईयर के उनका सर्विस कर लें या तो ये एज कर लें जो भी पहले हो जाएगा वो रिटायर हो जाएगा अंडरस्टूड सिमिलरली अगेन दिस वॉज रिजेक्टेड अर्लियर बाई सुप्रीम कोर्ट बट स्टिल द गवर्नमेंट ब्रॉड द बिल विद हैविंग हैज प्रोविजन्स

उसमें भी यही कहा था एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी होना चाहिए एक सेक्रेटरी अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री जिस मिनिस्ट्री के अंदर में ये ट्रिब्यूनल बन रहा है है ठीक एंड द सिटिंग और और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज अगेन जुडिशरी के मेंबर तो यहां पे जुडिशरी का एक मेंबर जुडिशरी का दो मेंबर member, दो मेंबर्स गवर्नमेंट के हो गए एंड अगेन द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और अंडर विच द ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद हैविंग नो राइट right. मतलब सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उसको पूरा पूरा एक्सेप्ट कर लिया गवर्नमेंट ने एंड दे इंक्लूडेड दिस इन बिल बट यहाँ पे फिफ्टी एज फिफ्टी ईयर्स का जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट था एंड टर्म ऑफ सर्विस को फाइव ईयर्स की बजाय फोर ईयर्स कर दिया दैट वॉज द प्रॉब्लम तो इट हैज बीन अगेन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट एंड नाउ let's सी what happens फर्दर बट थ्रू दिस लेक्चर वी tried टू understood

ट्रिब्यूनल uh, जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किए गए थे आर्टिकल थ्री ए एंड आर्टिकल थ्री बी ओके तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल ट्रिब्यूनल थिंग एंड व्हाट द इज गोइंग ऑन बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाउ अगेन बैक टू द क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया

क्योंकि पहले ही स्टार्टिंग में ही हमने कह दिया कि ट्रिब्यूनल्स आर आर बॉडीज दे ट्रिब्यूनल जुडिशियरी से बट दे देर वॉट क्वाजाई करने का पावर किसके पास है हाई कोर्ट के पास है सुप्रीम कोर्ट के पास है ठीक है ठेके? तो क्या ट्रिब्यूनल्स के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन uh, को इंटरप्रेट करने का विल सी सेकेंड पॉइंट इज द ट्रिब्यूनल्स कैन बी फॉर्म टू लुक इन टू द इलेक्शन पिटिशन ओके Uh, originally, Article 323b dealt with any kind of cases other than administrative tribunals. So 323b mein, taxation, forex, industrial and labor disputes, land reforms, election disputes as well. So, yes, second statement seems to be correct. So, tribunals can be formed to look into election petitions. It has been mentioned in Article 323b. ज बीन मैंशन इन आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री बी अगर ये ना मैं तो भी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है एल चंद्रा केस नाइनटीन नाइनटी सेवन में जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल कैन बी फॉर्म फॉर एनी इशू बाई अ स्टेट गवर्नमेंट विच हैजीन मेंशन इन टू द स्टेट लिस्ट ऑफ द सेवन शेड्यूल

So point number one the tribunals can rule on the constitutional validity of the provision other than the parent statute. This is absolutely correct. Again, L Chandra case take okay? a L Chandra case 1997 <clears throat> said that Supreme Court said that tribunals are although quasi-judicial bodies, but they have the power.

क्या एनजीटी के पास पावर है इस स्टेट्यूट के मतलब स्टेट्यूट मतलब लॉ इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कर सके नहीं द आंसर इज एन एब्सोल्यूट नो लेकिन और किसी भी ठीक है एनजीटी डील्स विद ईपीए 1986 फॉर एग्जांपल तो ईपीए 1986 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं किसमें एक ट्रिब्यूनल में लेकिन जिस एक्ट के थ्रू एनजीटी बना है उसी एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते एनजीटी में I hope you understood this. ठीक <coughs> है तो ट्रिब्यूनल्स कैन रूल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजन दैट मींस स्टेटमेंट वन इज ऑल्सो करेक्ट वन पॉइंट आई वुड लाइक टू एड इन दिस वन इज की अगर एक जो एक ट्रिब्यूनल है ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के पैरल बनती हैं ओके ट्रिब्यूनल्स आर पैरल टू हाईकोर्ट ठीक है okay? तो अगर ट्रिब्यूनल ने कोई जजमेंट दिया किसी लॉ के मान लो एग्जांपल फॉर एग्जांपल एनजीटी अगेन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है uh, प्रिंसिपल बेंच का कंसेप्ट अब खत्म हो चुका है है ना वी डेल्ट विद दिस इन वन ऑफ आवर लेक्चर्स कि देयर इज नो प्रिंसिपल बेंच ऑल द बेंचेस हैव इक्वल पावर बट स्टिल एनजीटी की एक बेंच है दिल्ली में

तो ईपीए कोई रूलिंग देती है इसके ऊपर ठीक है और ये है हाई हाई कोर्ट दिल्ली कोर्ट फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली हाई कोर्ट कोई और रूलिंग देती है उसी रिगार्डिंग अब जो यहां पे चैलेंज था उसी चैलेंज को किसी ने कोर्ट में भी कर रखा है हाई कोर्ट कोई अलग डिफरेंट रूलिंग देती है तो दोनों में से रूलिंग प्रिवेल किसकी करेगी हाई कोर्ट की रूलिंग प्रिवेल करेगी ओवर द रूलिंग ऑफ एनजीटी दैट मीनस ऑल दो द एन जी टी हैज द पावर टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिटी ऑफ अ स्टैट्यूट बट इट इज ऑनली सप्लीमेंट्री टू द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़ ही दो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो एन जी टी के किसी भी डिसीजन को चैलेंज ही किया जा सकता है ठीक है लेकिन अगर एन जी टी का कोई डिसीजन आया और हाईकोर्ट का कोई डिसीजन कॉन्ट्रारी है उस डिसीजन के तो हाईकोर्ट का डिसीजन प्रिवेल करेगा Okay, that means high Court is having a superior power as compared to ngT, a tribunal ke corresponding high court has zada power with respect to interpretation of the constitution. <coughs> okay, I hope you understood. If you have any questions regarding all this, please mention that in the comment section. I will be more than happy to take them as I already do. <coughs> that was all for this.